नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर बुधवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। अब अडानी ग्रुप पर लगे इन आरोपों के बाद केन्या सरकार ने गुरुवार को अडानी ग्रुप के साथ किए सभी समझौते रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। केन्या राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों की मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के खिलाफ हों। उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हों। आंध्र प्रदेश में YSRCP शासन के दौरान सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के लिए अडानी समूह को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दोषी ठहराए जाने के मुद्दे पर YSRCP ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि उनका अडानी के साथ कोई सीधा समझौता नहीं था। एक बयान में पार्टी ने कहा कि 7000 मेगावाट की बिजली खरीद को नवंबर 2021 में AP विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। गौरतलब है कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी और उनके भतीजे सागर सहित 7 अन्य पर अमेरिकी न्याय विभाग ने महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राज्य सरकारों के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जिससे संभावित रूप से 20 वर्षों में $2 बिलियन से अधिक का लाभ कमाया जा सकता था। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर लगे आरोपों के बाद व्हाइट हाउस ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत की नींव पर बने हैं। उसने कहा है कि वह भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से उपजे संकट से निपट सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने गुरुवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रशासन अडानी के खिलाफ लगे आरोपों से अवगत है। हम इस मुद्दे को हल करना जारी रखेंगे जैसा कि हमने अन्य मुद्दों के साथ किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को लेकर अब खड़गे को एक पत्र लिखा है। नड्डा ने पत्र में लिखा कि चौंकाने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। आपकी सरकार के तहत भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल की यह पूरी तरह से विफलता का एक प्रमुख कारण है कि उग्रवादी और आदतन हिंसक संगठन मणिपुर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को नष्ट करने और इसे कई दशकों पीछे अराजकता के युग में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आगे लिखा कि हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस के विपरीत हमारी सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। नड्डा ने कहा कि भारत की प्रगति को पटरी से उतारने की चाहत रखने वाली विदेशी ताकतों के गठजोड़ का समर्थन और प्रोत्साहन देने वाले कांग्रेस नेताओं का यह पैटर्न वास्तव में चिंताजनक है। इन व्यक्तियों के दुर्भावनापूर्ण इरादों को पहचानने में इस विफलता के परिणाम स्वरूप आपकी पार्टी अक्सर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आती है। क्या यह विफलता कांग्रेस की सत्ता की लालसा के कारण उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण अंधेपन का परिणाम है या लोगों को विभाजित करने और हमारे लोकतंत्र को दरकिनार करने की सावधानी पूर्वक तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है? नड्डा ने कहा कि यह हमारे देश को जानने का हक है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव मिलने के बाद मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद राज्य की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। नेशनल पीपल्स पार्टी द्वारा मणिपुर की NBIREN सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा के बाद NPP की मणिपुर इकाई ने गुरुवार को अपने सदस्यों को निर्देश दिया
कि वे बीरेन सिंह सरकार द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में शामिल ना हो। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीपी के प्रदेश अध्यक्ष एन कायसी द्वारा हस्ताक्षरित एक परामर्श में इस बात पर जोर दिया गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 17 नवंबर को सिंह सरकार से आधिकारिक तौर पर समर्थन वापस ले लिया था। कायसी ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सभी एनपीपी सदस्यों को इस निर्णय का अनुपालन करना आवश्यक है। तेलंगाना में हो रहे जातीय सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने कहा कि जाति सर्वेक्षण इस देश में लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दा रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के आम चुनावों के दौरान घोषणा की थी कि एक बार जब हम इस राज्य में सत्ता में आएंगे तो हम तेलंगाना राज्य से ही जाति सर्वेक्षण शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि हमने क्या कदम उठाए हैं। एक और जाति सर्वेक्षण बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर कोई समाज को समझने और समाज के धन को हर फर्क में समान रूप से वितरित करने में रुचि रखता है तो उसे उस मुद्दे को भटकाने और राहुल गांधी की सांठगांठ के बारे में बोलने की बजाय उसकी सराहना करनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी जानकारी दी थी कि तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातिगत गिनती का 70% से अधिक काम पूरा कर लिया है। जल्द ही पूरे राज्य का विस्तृत डेटा सरकार के पास होगा तो इसका इस्तेमाल हम नीतियां बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सीआईडी में संपूर्ण फेरबदल की घोषणा की और निचले स्तर के पुलिस कर्मियों के एक वर्ग पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने डीजीपी राजीव कुमार को कुछ सीआईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जाँच करने और यदि वे वास्तविक पाई जाती हैं तो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य भर में परित्यक्त खदानों और नदी तल से कोयला और रेत चोरी के पार पार लग रहे आरोपों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उनके राजनीतिक रंग की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई करें। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को राजधानी में ऑल न्यासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी ANSU चुनाव में एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा पैदा की गई कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से एक रोमेश मागा को चुनाव प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अशांति पैदा हुई थी। राजधानी के पुलिस अधीक्षक रोहित राजपीर सिंह ने बताया कि रोमेश मागा के समर्थकों ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने एक नए तरह का रॉकेट दागा है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है। दरअसल गुरुवार की सुबह यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन की तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। वहीं अब CBS न्यूज के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन पर दागी गई मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर दागी गई मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन का मानना है कि अगर रूस ICBM का इस्तेमाल करता तो अमेरिका को इसका पता चल जाता। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्डलाइनर रिपब्लिकन मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के 8 दिन बाद गेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। मैट गेट्स के नाम पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया था। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग तो नाम की घोषणा होने के बाद से ही सवाल उठा रहे थे। गेट्स ने पिछले हफ्ते ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल एथिक्स कमेटी के पास उनसे जुड़े एक मामले की जाँच चल रही है। उन पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। हालांकि गेट्स ने इन आरोपों को खारिज किया है। मैट गेट्स के नाम वापस लेने के बाद अब ट्रंप ने उनकी जगह पैम पोंडी को अटॉर्नी जनरल बनाने की घोषणा की है। पैम पोंडी फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और ट्रंप की वकील भी रही हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल पैम पोंडी अमेरिका की अगली अटॉर्नी जनरल होंगी। पैम पिछले 20 सालों से एक प्रोसिक्यूटर रही हैं और हिंसक अपराधियों को लेकर बहुत ही सख्त रही हैं। फ्लोरिडा की सड़कों को सुरक्षित बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। फ्लोरिडा की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में पैम ने
ड्रग्स तस्करी के खिलाफ शानदार काम किया है। भारतीय सेना ने गुरुवार को कश्मीर के किश्तवाड़ में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान के दौरान आम नागरिकों के उत्पीड़न की खबरों के बाद जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल किश्तवाड़ सेक्टर में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर 20 नवंबर को राष्ट्रीय राइफल्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान आम नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय सेना ने किश्तवाड़ के कोत गांव में इसी हफ्ते मंगलवार को कुछ आम नागरिकों को कैंप में बुलाकर उनका उत्पीड़न किया। अब इस मामले को लेकर भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्सपर्ट लिखा है कि इस मामले में जांच शुरू की जा रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा है कि आतंकवादियों के समूह पर नजर रखी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।